हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक फ्रेश न्यू वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब से जो है रेगुलर वीडियो आएगा चैनल पे, तो जो है मैंने डिसाइड किया है एवरी वीक जो है, जो हमने 3 वीडियो का प्रॉमिस किया है, वो अब हर वीक में 3 वीडियो आपको देखने को चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक वीडियो फोटोशॉप से डालेंगे, ठीक है, और एक वीडियो कैनवा से, ताकि जो फोटोशॉप से सीखना चाहते हैं वो फोटोशॉप से सीखें और जो कैनवा से बनाना चाहते हैं वो कैनवा से बना सकें। ठीक है, तो दोनों के लिए बेनिफिट है। तो प्लीज अब जरूर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं आगे तक भी, और जो लोग नए हैं वो भी लोग जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कैनवा जो है ओपन कर लेना है, canva.com, और अपने जीमेल अकाउंट से जो है इसको साइन इन कर लेना है। पूरा जो है मैं इसमें जो भी बताऊंगा वो पूरा फ्री एलिमेंट का यूज करके बनाने वाला हूँ। कोई इसमें जो है क्या बोलते हैं पेड वाला जो है मेरा नहीं है, इसमें सब्सक्रिप्शन मैंने नहीं ले रखा है, ये पूरा का पूरा मेरा फ्री वाला है। ठीक है, तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करेंगे और कस्टम साइज क्लिक करके एक थंबनेल का साइज जो होता है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक ब्लैंक पेज आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे आपको यहाँ पे सर्च करेंगे एलिमेंट में जाकर के, और यहाँ आपको सर्च करना है स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो आपको कुछ यहाँ पे इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके अंदर से मैं एक इमेज यूज करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैं इस इमेज को यूज करने वाला हूँ। आप यहाँ पे स्ट्रेटजी डालेंगे तो इससे रिलेटेड आपको काफी सारी इमेजेस मिल जाएंगी, लेकिन जिसके ऊपर ये क्राउन सा बना हुआ है, जिसपे प्रो लिखा हुआ आ रहा है, आपको इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो है एक इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये वाला इमेज सिलेक्ट किया है, और इसको हम पूरे में जो है यहाँ से खींच करके इसको फैला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया, और साइड से खींच करके हम कुछ ऐसे इस तरीके से इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम जाएंगे दोबारा से एलिमेंट पे, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ग्रेडियंट, और तो ग्रेडियंट करके इस तरह से आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको भी सेम इसके ऊपर जो है आपको फैला देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप खींचेंगे कॉर्नर से पकड़ के, तो ये कुछ ऐसे फैल के पूरे पे आ जाएगा। तो अभी आपको लग रहा होगा कि हमने जो है नीचे बैकग्राउंड रखा है उसके ऊपर से ग्रेडियंट लगा दिया, तो फायदा क्या है नीचे वाले का। ठीक है, तो यहां से क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आता है, तो यहां से आपको इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंसी को कम करना है ताकि नीचे वाला हल्का हल्का दिखाई दे। ठीक है, जस्ट एक बैकग्राउंड तैयार करने के लिए है, तो बस इस तरीके से आपको इसको करना है। यहां से हम कलर चेंज करेंगे, इसको जो है ग्रीन कलर में लेंगे, और इधर वाले को जो है हम ब्लैक कलर कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। अब चलिए यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन में मैंने जैसे एक एजुकेटर का इमेज यहाँ पे लगा रखा है, तो इसको उठा लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे आ गया एजुकेटर का इमेज। ठीक है, उसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, इसको कॉर्नर से खींच करके, और इसको हम कुछ हल्का सा और बड़ा करेंगे। ठीक है, और इसको हल्का सा रोटेट करेंगे इस टाइप इधर की साइड में इस एंगल पे, और कुछ इस तरीके से रख देंगे, और इसको हम यहाँ लगा देते हैं हल्का सा, और इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा, और कुछ ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिट इमेज में जाएंगे, और एडिट इमेज में जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, और यहाँ फोटोजेनिक वाले ऑप्शन में जाकर के सी ऑल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से इसको जो है ब्लैक एंड व्हाइट वाला लुक देने वाले हैं, तो इस पे जो है नोयर वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके से जो है आपको ये इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा जो है कुछ इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इस पे फॉन्ट लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट पे, और यहाँ से ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, और इस पे हम लिख देते हैं जैसे क्लास 10, और कुछ इस तरीके से हम इसको उठा करके यहाँ ऊपर लगा देते हैं। और उसके बाद जो यहाँ से फॉन्ट हम इसका चेंज करेंगे, फॉन्ट में बीवेस न्यू ये वाला आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला यूज करने वाला हूँ, और हल्का सा साइज बड़ा करेंगे, और इसका कलर जो है यहाँ से चेंज कर देंगे, और इसको व्हाइट कर देंगे, और इसको यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्ट प्रेस करके खींचेंगे, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे इस पे जा करके आप क्लिक करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट ले सकते हैं आप। और इसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे हम साइंस SCIENCE। ठीक है, और इसको भी हम खींच करके जो है बड़ा कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है,
अब इस पे जो है हम थोड़ा सा इफेक्ट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे और इफेक्ट के अंदर जाएंगे और ये जो शेडो वाला है इसको सिलेक्ट करेंगे। शेडो के अंदर जाने के बाद जो है यहाँ से कलर हम इसका ब्लैक कर देंगे और ऑफसेट को जो है हल्का सा जो है बढ़ाएंगे इसको, और ट्रांसपेरेंसी को जो है थोड़ा सा कम करेंगे ताकि ये ब्लैक जैसा दिखाई दे, और डायरेक्शन को जो है कुछ ऐसे, और हल्का सा इसको हम ऑफसेट को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको कम करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ट्रांसपेरेंसी को हल्का सा और कम करते हैं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन गया है। अब इसके बाद हम एक और एडिट दबा खींचेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रैटेजी। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी को मेंशन कर दिया है और इसको यहाँ पे इसी के नीचे लगा देते हैं। इसका कलर हम यहाँ से येलो रखने वाले हैं, तो येलो सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से हम और इसको थोड़ा सा येलो वाला लुक दे देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये जो है तैयार हो गया। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और हल्का सा यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको हम ऊपर वाला जो क्लास 10th हमने लिखा था इसकी हम एक डुप्लीकेट कॉपी लेंगे। और यहाँ पे हम जैसे कुछ और चीजें हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम 2023, ठीक है, और स्पेस यानी कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए है। अब इसको हल्का सा छोटा करेंगे और इसको हम यहीं पे नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, इफेक्ट के अंदर जाना है दोबारा से और यहाँ से बैकग्राउंड वाला जो है ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से हल्का सा कम कर देना है और इस टेक्स्ट को डबल क्लिक करके 2023 स्पेशल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाकर के हम येलो वाला कलर दे देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है ये आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ये दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से एलिमेंट के अंदर जाना है और यहाँ से कुछ जो है आपको एलिमेंट यहाँ पे सर्च करना है। जैसे साइंस यहाँ पे सर्च करेंगे SCIENCE, तो यहाँ पे आपको जो है कुछ एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ये मैं एक उठा ले रहा हूँ और इसको उठा करके हम कुछ यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। और यहाँ पे जो है आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है, जो जो कलर यहाँ पे अवेलेबल है इस शेप के अंदर वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे मैं इस लाइट ब्लू वाले का कलर जो है व्हाइट करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए व्हाइट हो गया। और एलिमेंट के अंदर जैसे कुछ और हम उठा लेते हैं, जैसे एक ये वाला उठा लेते हैं और इसको हम उठा करके यहाँ नीचे लगा देते हैं। ठीक है, एक ये बल्ब भी आ रहा है साथ में, तो इस बल्ब को भी उठा लेते हैं और इस बल्ब को जो है यहाँ ऊपर लगा देते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो बाहर जो इसका लाइट जैसे दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक सा, इसको हम व्हाइट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक चीज और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जैसे स्ट्रेटजी है तो स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ एक और मिल जाए। जैसे तो यहाँ पे हम जैसे सर्च करेंगे एलिमेंट में स्ट्रेटजी, तो इसके अंदर जैसे आपको यहाँ पे कुछ और चीजें देखने को मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करके देख सकते हैं कि जो इसके लिए सुटेबल हो, तो हम जैसे इस टारगेट वाले को भी यूज कर सकते हैं या फिर अगर कुछ और हमें मिल जाता है तो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, तो इसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो जैसे ये ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे स्ट्रेटजी के साथ में लगाएंगे और इसका कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे व्हाइट ले सकते हैं या फिर येलो वाला ट्राई करते हैं, व्हाइट ही रख लेते हैं इसका कलर और इसको हल्का सा छोटा कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो है हमारा थंबनेल बन के जो है तैयार हो गया है। आप यहाँ से जो है शेयर पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर जितने भी हमने एलिमेंट यूज किए हैं सारे के सारे फ्री हैं। जो एक क्राउन लिखा बना हुआ आ रहा है, बस ये वाला एलिमेंट यूज मत कीजिएगा, नहीं तो डाउनलोड करते समय आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देगा, खरीदने के लिए बोलेगा। तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से PNG जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं हाई क्वालिटी के लिए, और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये देखेंगे यहाँ पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा थंबनेल जो है काफी खूबसूरत लग रहा है और काफी सिंपल तरीके से जो हमने थंबनेल को डिजाइन किया है। और आप भी इसी तरीके से सिंपल तरीके से जो है आप भी अपने चैनल के जो है थंबनेल बना सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के न्यू वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
बाकी आप अपने चैनल के लिए आपका जो भी थंबनेल का जो कंटेंट होता है आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि अगली बार जब मैं थंबनेल बनाऊं तो ऊपर का जो टेक्स्ट है वो आपका जो कंटेंट हो वही रहे, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर जाइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी जरूर कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।